Hey guys, welcome back to my YouTube channel Sana Explore. कैसे हो आप सब? तो आज मैं बताऊंगी कि मैं दुकान की चीजें कैसे रेडी करती हूँ एंड मैं दुकान में रात तक कितनी ज्यादा सेल होता है, तो मैं वही दिखाने जा रही हूँ. तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं. इस आज ये मैंने टॉप पहना है. ये टॉप मैंने कहीं से खरीदा नहीं है गाइस, ये टॉप मेरी नानी ने बना के दिया है अपने हाथों से. देख सकते हो कैसी लग रही हूँ मैं, जरूर बताइएगा. है कि नहीं नानी? है कि नहीं है? बीस तो ऊपर बना के रखा है. हाँ, हाँ बहुत सारे टॉप्स नानी ने मुझे बना के दिए हैं. रानी बताओ मैं कैसी लग रही हूँ, बताओ. मोटी है ना? उसका हाथ दिखाओ कैसा हो गया है. देखो गाइस, ऐसा मत करो, उठा उसको. माथा में क्यों मार रहा है? नीचे से पकड़। ऐसे नहीं, नहीं गरम है, मैं गिर जाएगा ये. तुम ऐसे आज मैं दुकान में यही पहन के जाऊंगी. कैसे लगती है? क्या होगा, पीनेगा? ये आसान होने से क्या, ये चीज नहीं पीनेगा. बाहर देख के लड़की पीनेगा और टीवी लगाएगा चुप चुप के ऐसे करेगा, सिर्फ सिला पीन के ऐसे देखेगा. वो बेटा माँ पापा सब एक साथ जब लगता पिक्चर देखा जाएगा ना, तब अच्छा है. अच्छा है. और आज की रात में वो लड़की क्या पहनी थी, तब अच्छा है. हम लोग कुछ पहन ले, इसीलिए हमें इशारा बना के दिया है. अब गाइस अभी मैं आ गई हूँ दुकान का चीजें रख के. अभी मैं लगाऊंगी झाड़ू क्योंकि नानी का तबीयत है खराब. दूसरा खराब नहीं है, पेट में फोड़िंग जैसा उठा है रे. तू धीरे धीरे झाड़ू लग, पेट में खराब है. तू झाड़ बढ़ाने के लिए कैसे व्यायाम करता है गाइस? हम बुलाए इतना कष्ट मत करो सना, हम बुढ़ा उम्र में क्या करेगा. हमारा घर लेके सर्जरी कर लो ना. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और करो मत करो. बेटी, दुकान की चीजें मॉर्निंग से रेडी कर रही हूँ, तो एक्सरसाइज करने को थोड़ा सा टाइम नहीं मिल रहा है, तो टाइम निकाल के थोड़ा सा कर लिया है. और अभी जाऊंगी दुकान में, कितना सेल होता है सब कुछ मैं बताऊंगी आप लोगों को. तो चलिए मेरे साथ रेडी. गाइस अभी रेडी हो चुकी हूँ, कैसे लग रही हूँ मैं आप लोग जरूर बताइएगा. अभी से मैं काउंट करूंगी कि मैं दुकान में कितना सेल होगा कितना नहीं, तो मैं बता पाऊंगी. गाइस अभी आके बैठी हुई हूँ, कस्टमर सभी तो नहीं आए हैं. जब आएंगे तब मैं आप लोग को शर्ट ही दिखाऊंगी. अभी देखो तवा भी पूरा साफ है, दिखा दो. तवा साफ है, खाना भी साफ है, हम भी साफ है, बहनों भी नहीं हुआ है. और तो जय गणपति बापा का नाम दो. बनी भी बैठा हुआ है यहाँ पे, बस यहाँ पे बैठा ही रहता है, सोता रहता है. तो फिर अपना और गाइस मैं दुकान में आई थी 2 बजे और 2 बजे से अभी 5 बजने को आ गया है. अभी देखिए थोड़ा थोड़ा शाम होने को आ गया है. और अभी 4 कस्टमर आए और दोनों ने खाया मैगी और दोनों ने खाया छोले कुलचे, तो मैंने दोनों में बना के दिया. विसर्जन हो रहा है काली माँ का. क्या कर रहे हैं ये? क्या कर रहे हैं? रुक जा. दो हम तुम करके देखा. दुकान
से सागर भी आ गया है और मैंने अपना कपड़ा चेंज कर लिया है। तो उस टाइम तो मैंने आप लोगों को बताया था कि कितना सेल हुआ है, अभी मैं बताऊंगी पूरा फाइनल कितना सेल हुआ है, ठीक है। फोन पे में कितना गया है एंड मेरे पॉकेट में कितना गया है सब कुछ मैं अभी आप लोगों को बताऊंगी। मैं अपना बॉडी देख रहा हूं, नाचो अपने कैप के लिए जान दे रहा है। देखो 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 ऐसे होगा मर जाएगा, मिल गया। तो गाइस अभी मैं दिखाऊंगी मेरा आज का कलेक्शन मेरे फोन में कितना हुआ है, फोन पे जिन जिन लोगों ने किया है। तो ये आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 350 हुआ है ओनली फोन पे, ठीक है। बैग में कितना है मैं अभी दिखाऊंगी, आप लोग खुद ही देख लीजिए। 100 और 50 और यहाँ पे 50 मतलब 200 कुल मिला के मेरा बिक्री हुआ है 550। आप लोग खुद ही सोचिए एक बार, अगर एक दिन में मेरा 500 रुपए का बिक्री हो रहा है तो मैं बाजार कहाँ से करूंगी, रेंट कहाँ से दूंगी, कितना रुपया का वहाँ पे माल ही पड़ा रखा है। वही देगा, ये बता कौन देगा मुझे। ऐसा भी नहीं है कि एक दो आदमी भी नहीं आता, आता है बट कभी तो इससे भी ज्यादा कम होता है। एक दिन में हाइस अगर जाता है मेरा तो जाता है 1000 तक बस। और इनमें से मैं बाजार कहाँ से करूंगी, वो करूँ सब मेरा यूट्यूब से जो मेरा पेमेंट मिलता है ना, मैं उसी से दुकान का राशन लाती हूँ, घर का रेंट लेती हूँ और बस अपना खुद का जो भी कपड़े वपड़े होते हैं वो सब लेती हूँ। और फिर और भी बहुत सारे झमेले हैं मेरे लाइफ में, वो सब कुछ करती हूँ। मुझे यूट्यूब से ज्यादा पैसा मेरा जिम के लिए, भाई के लिए भी जिम के लिए वो सब खाना पीना वो सब खरीदना पड़ता है। मैं यूट्यूब से इतना भी ज्यादा पेमेंट नहीं मिलता है, जितना कम व्यूज मिलने से कम पैसा मिलता है, तो पैसा मिलता है उनमें से ही मैं जोर जान के कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। अगर आप लोग बोलते हो कि तुम कम खाना बनाओ तो और कितना कम खाना बनाए, उससे अच्छा कि हम लोग दुकान ही बंद कर दे, तभी तो अच्छा रहेगा ना। आधा किलो मटर बनाते हैं, कुलचा हम लोग आधा किलो आटा मारते हैं, तो और कितना कम बनाए बोलिए, कस्टमर आता ही नहीं है। लोग हर कोई वीडियो देखे हैं हमारे जो भी असम में लोग रहते हैं तो भी नहीं आता है, तो मैं क्या कर सकती हूँ। तो उससे अच्छा कि मैं दुकान बंद करती हूँ, अपने वीडियो पे फोकस करूँ, अपना बस मेरे घर को चलाने के लिए आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए और कुछ भी नहीं चाहिए।